हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल चीला अलीगढ़ स्टाइल में, जिसे बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है 1 कटोरी और उसे 4 घंटे पानी में भिगो के मैंने इस तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है। चॉप्ड अनियन ली है, चॉप्ड धनिया लिया है, पनीर, नमक और अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट दिया है, हींग, चाट मसाला और बटर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारा मूँग की दाल का बैटर है उसमें थोड़ा सा हींग और नमक मिला के इसे अच्छे से हमें फेंटना है। हमें इसे इतनी देर तक फेंटना है कि ये आपका फ्लफ़ी हो जाए। ये करीब 10 मिनट तक लेता है फ्लफ़ी होने में। आप देख सकते हैं मेरा बैटर बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अब हम गैस पे तवा रखेंगे और इस तरह से कुछ हमें हमारा बैटर डालते हुए एक राउंड लेते हुए हमें चिले की शेप देनी है। ये अलीगढ़ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, हमारे चिले ने शेप ले ली है। काफ़ी टेस्टी रेसिपी होती है ये चिले की। हमने फाइनल टच हमारे चिले को दे दिया है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। इसकी स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डालने वाले हैं हमारा हरी मिर्च और अदरक, जो हमने बारीक चॉप किया था। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब हम कुछ इस तरह से हमारे चॉप्ड हरे धनिए को यहाँ पे फैला देंगे और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्याज डालेंगे। कुछ इस तरह से हमें प्याज को अपने पूरे चीले पे फैला देना है और इसे अच्छे से चीले के ऊपर सेट कर देना है हमें। कुछ इस तरह से हम इसे हाथ से दबाते हुए सेट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। मटर पनीर के चीले और आलू के चीले तो आपने बहुत खाए होंगे, पर इस बार इस चीले को भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए, हम हमारे चीले को तवे पे से कुछ इस तरह से स्क्रैच करते हुए उतार लेंगे। आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ से सिक चुका है, इसलिए आसानी से तवे को छोड़ रहा है। अब इसे इस तरह से हमें उतारते हुए अच्छे से चारों तरफ से हमें इसे सेकना है। कुछ इस तरह से मैं घुमा घुमा कर हमारी चीले को सेक लूँगी और प्याज को अच्छे से दबाकर इस पे सेट कर दूँगी। अब हम जो हमारी मेन चीज़ है इस चीले के लिए वो हम यूज़ करेंगे, वो है हमारा अमूल बटर, जो करीब इतना हम यूज़ करने वाले हैं। जो हमारा मेन टेस्ट होता है इसका वो इस बटर का ही होता है। तो इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी हमारे तवे पे और हम अपने चीले को इस तरह से सेकेंगे। हमारा चीला अच्छे से सेक चुका है। अब हमें इसे दूसरी साइड से सेकना है, इसलिए मैं इसे पलट दूंगी। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए दूसरी तरफ से भी हम इसे कुछ देर के लिए सेकेंगे, जिससे प्याज भी हमारी अच्छे से सिक जाए। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से घुमाते हुए हमारे चीले को अच्छी तरह से सेकना है और इसे प्रॉपर तरीके से प्रेस करते हुए हमें प्याज इसके अंदर सेट करनी है। आप देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम हमारा लास्ट स्टेप इसके अंदर लेने वाले हैं, वो है हमें हमारा पनीर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए कुछ इस तरह से हम ग्रेट करके इसके अंदर फिल करना है। हम पनीर को इक्वली डिवाइड करते हुए हमारे चीले पे फैला देंगे कुछ इस तरह से। पनीर का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमने प्रॉपर तरीके से हमारे पनीर को हमारे चीले पर फैला दिया है। अब अगेन हम थोड़ा सा चाट मसाला हमारे इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, आप देख सकते हैं, और हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए पनीर को चीले के अंदर सेट कर देंगे। हमारा चीला बहुत अच्छा दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इसकी स्टफिंग भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए बनाने में बहुत ही इजी होता है और खाने में लाइट भी होता है। हमारा चीला प्रॉपर तरीके से सिक चुका है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हैं, और हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। हमारा चीला सर्विंग के लिए तैयार है। थैंक यू।